हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट स्वीट रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपके रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी हम अभी बीच बीच में भी डालते जाएंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। आप कोई भी कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है, तो फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। इससे बिल्कुल मावे का टेस्ट आएगा, तो हमें इसी तरह से इसे भी भून लेना है। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, तो हम यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून करके घी डालते जाएंगे। इससे बहुत ही स्पंजी, बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनेगी, बिल्कुल हलवाई की तरह। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर का और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सूजी में आप 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फूड कलर दे रही हूँ मिठाई वाला टेस्ट लाने के लिए और फ्लेवर देने के लिए। तो बहुत ही अच्छी इस तरह से मिठाई बनती है। आप अपना मनचाहा फूड कलर डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया। टोटल मिलाकर हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे सेट कर लेंगे एक किसी भी केक टिन में, थाली में, या जिसमें भी आपको सेट करना हो। हमने इसमें घी लगा लिया है। अब हम डाल देते हैं हमारे मिठाई के मिक्सचर को और इसे बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा हो गया ये, 15 से 20 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे, जो भी चॉप किए हों आपके पास। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं और पिस्ता लिए हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई का लुक आ जाएगा, ये देखिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही कम बजट में बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई घर में बनाना बहुत ही आसान है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में कोई सामान मिल नहीं रहा है, तो आप इसे त्यौहार में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखने में सुंदर, खाने में लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। तो ये देखिए, हमने इसे कट भी कर लिया है, तो बहुत ही ईजिली ये बाहर भी निकल रही है, ये देखिए। तो बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार है। तो लीजिए, बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और कलरफुल मिठाइयाँ। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।